स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल विज इफेक्ट्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोशन के बारे में कि मोशन के द्वारा हम कैसे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारे पास में टाइमलाइन है और यह Adobe प्रीमियर CC 2018। तो आइए देखते हैं कैसे यूज करते हैं। ये एक वीडियो मैंने एडिट की हुई है। अब इस पे मैं आपको बताऊंगा कि मोशन कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए, आपने ये देखना है कि ये बीट कहां जा रही है। तो हमें क्या करना है, ये पॉइंट जो है आपके, ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से, ठीक है। तो यहां पे हमने कर्सर लेना है और यहां पे हमने करना है सिंपली बी प्रेस। आप टूल अगर होते हैं तो टूल में आप यहां से दे सकते हैं, सी रेजर टूल के थ्रू भी कर सकते हैं और ब्लेड टूल के थ्रू भी कर सकते हैं। बी फॉर ब्लेड होता है, सी फॉर रेजर, यानी कि रेजर टूल के थ्रू हमने इसको यहां से इतना कट किया और फिर यहां कर दिया और फिर हमने आगे यहां पे भी पे लिया इसको, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या करना है, आगे लेते हैं, हम चलते हैं, ये देखिए यहां से कट कर लिया है, इस पे यहां से कट कर दिया है इसको हमने। ये सारा मैं रेजर टूल के थ्रू कर रहा हूं। आप कंट्रोल के भी इसकी शॉर्ट कमांड होती है, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लॉक करना पड़ेगा ऑडियो के यहां से, है ना। ये कर दिया और यहां से मैंने इस पे इफेक्ट डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा हैंड टूल के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां तक जहां जहां तक ये पीट जाए, ठीक है। ये देखिए ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और आपका यहाँ पे ये आ गया और ये आ गया, ये आ गया। इस तरह के करके मैंने इतने सारे इफेक्ट ले लिए, मतलब इतने सारे मैंने कट मार दिए इस पे टाइमलाइन पे। अब करना क्या है आपको कि टाइमलाइन पे कट के लिए के बाद में सिंपली यहां पे जाना है इफेक्ट में। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि इफेक्ट कंट्रोल आपका नहीं आ रहा है दोस्तों। इफेक्ट कंट्रोल आपका तभी आएगा जब आप इसमें पे क्लिक करेंगे, यानी कि मैं ये कर्सर लेता हूं सिलेक्शन टूल और इस पे क्लिक करता हूं, तो आप ये देख सकते हैं कि मोशन टूल आ गया है। अब मोशन टूल में आपने क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है। जब आप मोशन टूल पर क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि चारों तरफ इसके इस टाइप से ये आपके पॉइंट बन गए हैं, ये वाले। तो मैंने क्या करना है, मैं ये देखिए क्या करूँगा, सिंपली इसको जूम किया मैंने, ठीक है, इस टाइप से ले लिया। दूसरी क्लिप सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और फिर इसके इस पोर्शन को ले लिया, ठीक है, और फिर मैंने मोशन पे क्लिक किया। सिंपली मोशन के थ्रू मैं क्लिक कर रहा हूँ, स्केल भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। यहाँ पे ये लिया है मैंने और अब मैं इसके फेस को स्केल करूँगा। आप स्केल कर लीजिए या मोशन कर लीजिए यहाँ से इस टाइप से। बट क्या है, मोशन में क्या होता है दोस्तों कि मोशन के थ्रू जो ना ये पूरा का पूरा एंगल आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्केल में क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर पर नीचे नहीं कर सकते, लेकिन इस मोशन के थ्रू आप कर सकते हैं इजिली। उसके बाद क्या करना है, आपने ये लिया, इसको हमने स्केल कर दिया, यहां से आप कितने परसेंट रखना है ये देख कर सकते हैं, 10% हमें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं आपका 25% के करीब, 50% हो गया, फिट कर देते हैं,
ठीक है, या इसको 25% ले लेते हैं, है ना। अब ये देखिए 25% करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसका ये एंगल रख लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने इसका ये एंगल कर दिया है, ठीक है। देन अब मैं इसके फेस को थोड़ा सा जूम करूंगा, जो कि मैंने पहले भी किया था, ठीक है, ये वाला, और इसको हम कर लेते हैं ये, ठीक है, इसको हमने मोशन थोड़ा सा और जूम कर दिया है, ये लॉन्ग ही रहने देते हैं एक फ्रेम, है ना, और इसको भी हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं इस पोर्शन को, ठीक है, और देन फिर ये आ जाएगा। अब जब आप इसको प्ले करते हैं इसको वीडियो को टाइमलाइन पे, देखिए ये वीडियो मेरे यहाँ से आई है, ये आपने देखा कि किस टाइप से आपका इफेक्ट बन के आएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से मैंने इफेक्ट लगाया था बीट के ऊपर वो इफेक्ट यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप से आप मोशन का यूज कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मोशन कई तरह की होती है, बट आपको उसका यूज करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अडोब प्रीमियर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप ओवरले वगैरह कर सकते हो, टेक्स्ट में एनिमेशन दे सकते हो, और जितना मर्जी आप यूज करना चाहो कर सकते हो इसमें। अडोब आफ्टर इफेक्ट और अडोब प्रीमियर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दोस्तों। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कि अडोब प्रीमियर सीसी 2018 में नया और क्या आया है सिनेमैटिक इफेक्ट के बारे में, कि कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं। तो प्लीज की वॉचिंग माय ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल दोस्तों।